हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही और देसी डिलाइट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी रवा उपमा या सूजी का उपमा। नॉर्मली तो ये ब्रेकफास्ट डिश है, बट आप जब चाहें बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। उपमा भी एक फेमस साउथ इंडियन डिश है एंड ऑफ कोर्स हेल्दी भी। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इन्ग्रीडियंट्स और बनाते हैं उपमा। यहाँ मैंने लिया है मेज़रमेंट कप से ही एक कप सूजी। ग्राम की बात करें तो ये 150 ग्राम के लगभग होगा। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ कैप्सिकम या शिमला मिर्च, 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे। ये 20 से 25 कड़ी पत्ते या करी लीव्स, 2 बारीक कटे हरी मिर्च, ये आधा से 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1/3 कप मूंगफली जिसकी जगह पे आप फ्रेश मटर का भी यूज कर सकते हैं, 2 बड़ा चम्मच चना दाल यूज करेंगे और ये 8 से 10 काजू हाफ किए हुए, ये 1 छोटा चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर और ये 1/2 नींबू का रस। ये ऑप्शनल है, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 पिंच हम हींग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें हम ये सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे ही हम सूजी को कंटिन्यूस चलाते हुए इस तरह से बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे सूजी को। तो बस इतना ही करना है, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में। एंड सेम पैन में ही हम मूंगफलियों को भी ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 2 बड़ा चम्मच और ऑयल के गर्म होते ही हम ये राई और जीरा साथ में ही ऐड कर देंगे। इन्हें हल्का सा क्रैक होने देंगे, फिर हम इसमें हींग को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और साथ ही में करी पत्ते, दोनों को हल्का सा भून लें। अभी हम डालेंगे चना दाल, ऑयल में ही डालेंगे तो ये चना दाल क्रंची हो जाएगा। तो बस चना दाल की हल्का सा कलर चेंज आने तक इसे इसी तरह से भून लें। तो दाल का कलर चेंज हो गया है, हमने इसमें काजू ऐड कर दिए। हरी मिर्ची ऐड कर दें। इसी वक्त हम हल्दी भी ऐड कर देंगे ताकि ऑयल में हल्दी का कच्चा टेस्ट अच्छे से निकल जाए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम हाई फ्लेम पे इसी तरह से भून लेंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसमें कैप्सिकम को ऐड कर देंगे। प्याज और कैप्सिकम को जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए हम नमक का यूज़ करेंगे। हम सारा नमक यूज़ नहीं करेंगे, हम बाद में डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। तो इसी तरह से हम कंटिन्यूस चलाते हुए हम सारी चीज़ों को भून लेंगे साथ में ही, जब तक कैप्सिकम जो है सो सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो
तो अब हम इसमें सूजी ऐड कर देते हैं और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ हम एक दूसरा पैन लेंगे जिसमें हम मेज़रमेंट कप से ही 2 कप पानी डालेंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि सूजी हमारा 1 कप था तो हम सूजी का 2 गुना पानी यूज़ करते हैं उपमा में। और यहाँ पे हम डालेंगे मूंगफली, मिला देंगे और डालेंगे नींबू का रस, इसे भी मिला देंगे। तो अभी हमारा पानी गर्म हो चुका है, हम इसे ऐड करेंगे उपमा में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और दूसरे हाथ से इस तरह से चलाते जाएं, इससे सूजी में लम्स नहीं पड़ेंगे। तो ये गरम मसाला भी डाल दें। एंड लास्ट में डालेंगे नमक। हमने स्टार्टिंग में भी नमक डाला था कैप्सिकम को सॉफ्ट करने के लिए, तो इस वक्त आप अंदाजे से ही डालें। तो हमारा उपमा जो है वो लगभग तैयार होने वाला है। और हमारा उपमा रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अभी हम सर्व करेंगे उपमा को गर्मा गर्म। तो सर्व करने के लिए एक बाउल लेंगे और इस तरह से हम उपमा को भर के फिल कर लेंगे और सर्विंग प्लेट लेंगे और हम उपमा के बाउल को इस तरह से उल्टा करेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे और ये हमारा उपमा प्लेटिंग भी हो चुका है। इसे इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।